तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अवर्सिस आरटीए यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपना यूटिलिटी बिल के बारे में। तो हम अपना बिजली का बिल कैसे यहाँ से एमसीबी अपने रोशन डिजिटल एमसीबी अकाउंट से कैसे जमा करवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अवर्सिस आरटीए चैनल को सब्सक्राइब और प्यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम अपना बिल ऐड करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा बिल ऐड कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बिल पेमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे नीचे थ्री डॉट्स नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऐड बिलर और दूसरा क्विक पे बिल। तो आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड बिलर पे क्लिक करें, अगर आप बिल जमा करना चाहते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो यहाँ से क्विक बिल भी पे कर सकते हैं। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ, सबसे पहले ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर कैटेगरी यहाँ पे मांग रहा है, तो हम इस पर यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यूटिलिटी सिलेक्ट करूँगा। यूटिलिटी सिलेक्ट करने के बाद बिलर नेम, तो यहाँ पे आपका जो भी है, तो मेरा यहाँ से मैपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मुल्तान, मैपको मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर आपका जो भी हो यहाँ से अपना चूज़ कर लें। तो हमारा ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर रेफरेंस नंबर यहाँ पे देना होगा, बिल के ऊपर लिखा होता है। तो सबसे पहले आप बिल से रेफरेंस नंबर देख के यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेट, आप इसको एक बार चेक कर लें आपका बिल ठीक है या नहीं। तो मेरा बिल ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है निकनेम, तो आप यहाँ से कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना या कोई और भी नाम लिख सकते हैं किसी का भी। मैं नाम यहाँ पर लिख दिया, अब सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे दोबारा कंफर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा। तो आपकी ईमेल या आपका मोबाइल नंबर पे जो भी आपका बैंक में रजिस्टर होगा उस पर वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे लिख दें। तो मैं अपना एक चेक कर लेता हूँ मेरा वन टाइम पासवर्ड आया या नहीं। तो देखिए जरा मेरा वन टाइम पासवर्ड आ गया। यहाँ पे आप चाहें कॉपी भी कर सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं 6585000। यहाँ पे नीचे है सबमिट, तो इस पर क्लिक कर दूँगा मैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो कंफर्मेशन आ गया, बेनिफिशरी एडिशन सक्सेसफुल। तो हमारा बिल ऐड हो गया, अब हम इसको पे करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पे नाउ, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
तो आपका यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, आप किस चीज़ से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या अकाउंट। तो मैं अकाउंट से पे करूँगा, तो मैं अकाउंट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर सेलेक्ट हुआ है, तो हम इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे सबमिट करने के बाद एक बार फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको एक बार फिर ओटीपी आएगा अपनी ईमेल पे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपका ईमेल पे कोड नहीं आएगा, आपके मोबाइल पे आएगा। मैं सऊदी अरब में हूँ, तो मेरा ईमेल पे आता है। मैं एक बार फिर अपनी ईमेल चेक कर लेता हूँ। वन टाइम पासवर्ड आ गया मेरा, सॉरी टू से अभी नहीं आया, एक बार रिफ्रेश करके अभी आ गया। यहाँ 351127, 351127, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ जी। तो हमारा वन टाइम पास लगाने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, तो ये देखिए हमारा बिल पे हो गया। तो आप भी इस तरह का अपना बिल बगैर बैंक में या किसी दुकानदार पे जाने से बेहतर है आप खुद अपने मोबाइल से करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमारे ओवरसीज आरडीए चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दूसरों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।